सो अस्सलाम वालेकुम गेमर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह का गेम GTA 5 गेम प्ले वीडियो आ चुके हैं हम एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो जैसे कि आप लोगों को पता था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मतलब हम मर्सिडीज जी वैगन की ऑफ रोडिंग आपके लिए लाएंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में चुराया भी था। सो इसलिए हम मर्सिडीज जी वैगन की ऑफ रोडिंग के साथ आ चुके हैं। ये मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके अभी निकाला है और अभी मैप का लोकेशन लगाते हैं माउंट चिलियर्ड का, आई थिंक। सो यहाँ से माउंट चिलियर्ड का ऑफ रोडिंग रास्ता शुरू होता है। सो जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन बनता है, मतलब देखते हैं। इधर इधर से आई थिंक शुरू होता है। सो इधर मतलब मार्क लगा लेते हैं और जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मतलब फुल हेवी वाले सीन है और मर्सिडीज जी वैगन को मतलब फुल मॉडिफाई किया है और बहुत कोई चीज़ें टर्बो शर्बो भी लगाए, पावर तो फुल इसमें है, लेकिन देखते हैं कि ऑफ रोड टेस्ट में कैसे परफॉर्म करता है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हर जा बस वाले अभी अभी इस पे मैं बहुत ज़्यादा पैसे लगा के आ रहा हूँ, मतलब मर्सिडीज जी वैगन पे। सो देखते हैं कि आगे मतलब क्या सीन बनता है, क्या ये माउंट चिलियर्ड को मतलब माउंट चिलियर्ड के ऊपर चढ़ पाएगा। यहाँ पर हमारा ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जाते हैं आप, बाकी आप लुक तो देख सकते हैं, बहुत ही कूल सी लुक मैंने निकाली है मर्सिडीज जी वैगन की। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हम इसका कलर चेंज करें कि नहीं। मुझे तो फिलहाल बहुत ही मतलब ब्लैक बहुत ही अच्छा लग रहा है और ब्लैक में मॉडिफाइड बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जाते हैं और देखते हैं क्या सीन बनते हैं। मतलब मैं तो फुल ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ड्रिफ्ट मार नहीं पा रहा क्योंकि ये बहुत बड़ी गाड़ी है और इसलिए ड्रिफ्ट नहीं लग पा रही। सो आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मतलब मैं अभी भी ड्रिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ड्रिफ्ट नहीं लग रही, लेकिन कोई बात नहीं। सो जाते हैं और माउंट चिलियर्ड पे आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आपने इंटीरियर देख लिया होगा, आपको मैंने दिखाया भी था, मतलब पिछले मतलब कुछ ही सेकंड में, पीछे कुछ ही सेकंड में यहाँ पर मैं फुल ड्रिफ्ट मारता हुआ जा रहा हूँ। मतलब ड्रिफ्ट कामयाब नहीं हो रही, लेकिन ड्रिफ्ट लग तो अच्छी रही है। फिर भी आप मतलब फर्स्ट पर्सन में देख सकते हैं इंटीरियर भी, और स्पीडोमीटर भी बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कंट्रोल भी बहुत अच्छे है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और यहाँ पर माइकल को फ़ोन आते हुए, माइकल ने फ़ोन पिक किया, लेकिन रियल लाइफ में मतलब पिक नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते हुए, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी एक हाथ से ड्राइव कर रहा है, लेकिन सेफली ड्राइव नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी मतलब कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ से कार मतलब अनकंट्रोल होते हुए गिर गई, लेकिन कोई बात नहीं, बच गई कार। और देख सकते हैं कि डैमेज इतना नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, जो मिशन मतलब आ चुका है हमारा, लेकिन अभी हम मिशन पे नहीं जा रहे, फिलहाल हम जा रहे हैं मतलब माउंट चिलियर्ड के ऑफ रोडिंग पे अपनी मर्सिडीज जी वैगन को ले जाके। सो जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, मतलब फुल हेवी वाला सीन। ये देख सकते हैं कि नीचे ड्राइवर का ऑप्शन आ रहा है कि उस पर मतलब मूव हो जाओ, लेकिन हम तो पहले मतलब माउंट चिलियर्ड की ऑफ रोडिंग पूरी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, ठीक है ना। सो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, मतलब आप अभी से लाइक एंड शेयर टोक दीजिए। ड्रिफ्ट मारता हूँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन ड्रिफ्ट कामयाब नहीं हो पा रही, लेकिन लाइक एंड शेयर ज़रूर टोक देना, ठीक है ना, क्योंकि इधर मतलब मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, सब्सक्राइब करो यार, इस मंथ का हमारा गोल है मतलब के 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। सो ये तो मस्ट है सब्सक्राइब करना। सो मतलब मर्सिडीज जी वैगन तो अभी तक फुल अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है, मतलब ओल्ड मॉडल है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी तरह ये यहाँ पर परफॉर्म कर पा रही है। देख सकते हैं फुल अच्छी तरह ड्रिफ्ट मारता हुआ, लेकिन ड्रिफ्ट अच्छा मारता है, लेकिन इंजन की मतलब पावर इतनी नहीं है, अपग्रेड करवाना है इंजन इसका, लेकिन बस ठीक है। मतलब ड्रिफ्टिंग के लिए तो ये कार बनी भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मतलब बहुत ही रास्ता है माउंट चिलियर्ड के लिए। सो आपको माउंट चिलियर्ड के ऑफ रोडिंग पे ही मिलते हैं, ठीक है ना। सो फाइनली गाइस, मैं माउंट चिलियर्ड के ऑफ रोडिंग पे मतलब आ चुका हूँ। अभी माउंट चिलियर्ड का रास्ता शुरू होने वाला है, ऑफ रोडिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गाड़ी भी हमारी फुल पावर में है और बंदे शंदे भी मतलब जा रहे हैं हाइकिंग करने ऊपर माउंट चिलियर्ड पे। सो ये ऊपर टेंटिंग करेंगे, लेकिन हम तो अपनी कार चढ़ा के फिर उतर जाएंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब तो बनता है भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना। देख सकते हैं इधर से चढ़ाई शुरू होती है, लेकिन फिलहाल तो अपनी मतलब मर्सिडीज जी वैगन है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रही है। आगे देखते हैं कि क्या सीन बनता है, मतलब आगे ये क्या इस तरह परफॉर्म कर पाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि आगे इस तरह परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि माउंट चिलियर्ड भी बहुत हेवी जगह है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऊँची पहाड़ है लॉस सैंटोस का। सो फिर भी देख सकते हैं फिलहाल तक तो ये बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रही है, लेकिन जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है ना। सो बहुत हेवी वाला सीन है, देखते हैं कि क्या सीन बनता है।
सो फिलहाल तक तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर पा रही है, आगे देखते हैं। ओके, ये तो हमसे मतलब अनकंट्रोल होके मतलब नीचे गिर चुकी, क्या है पर ये वो चढ़ पाएगी? मुझे लगता है चढ़ गई लेकिन ये बहुत स्ट्रगल करती हुई जा रही है। स्ट्रगल मतलब बहुत ही हैवी वाला स्ट्रगल है, देख सकते हैं आप कि ये गाड़ी की पावर मतलब फुल इंजन से निकल रही है, लेकिन फिर भी गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रही है कि यहाँ पर हम इसको ट्रैक पर ला चुके हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब ट्रैक पर इसको तो हमने वापस से ला चुके हैं, सो ट्रैक पर आ चुकी है, वरना ये तो अगर नीचे जाती तो फुल टूटा फूटा हो जाता। मतलब बहुत ही अच्छी तरह ये मतलब कंट्रोल हुई। यहाँ पर कंट्रोल बहुत ही मैटर करता है, यहाँ पर क्या मैं सही तरह कंट्रोल कर पाऊँगा, क्योंकि यार मॉन्ट्रियल पे चढ़ाना बहुत ही मुश्किल बात है रियल लाइफ में। तो आप मतलब रियल लाइफ में जब GTA खेलोगे तभी आपको पता चलेगा, इधर पर तो नहीं चलेगा, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत ही मतलब हार्ड है। इतना भी हार्ड नहीं है, कंट्रोल हो जाती है, लेकिन गिर गिर जाती है पैर से, फिर मतलब ट्रैक पे लाना पड़ता है। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर फिर ये स्ट्रगल कर रही है। सो आई थिंक सो मतलब ये यहाँ पे क्या चढ़ पाएगी देखते हैं। फुल ही मतलब बहुत ही हैवी वाला सीन है, देख सकते हैं डैमेज भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी एक लाइट पी गई है और अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रही है, लेकिन स्ट्रगल तो कर रही है नो डाउट। लेकिन अगर इसको हम बारिश पे चढ़ाए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, क्यों भाई तू मेरे साथ जाएगा? ये इसको छोड़ते हैं, चलो इसको अगर बारिश पे हम चढ़ाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, क्योंकि ये बारिश के बिना ही बहुत स्ट्रगल कर रही है। देख सकते हैं कि आउट ऑफ द ट्रैक जा रही है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रही है। लेकिन जाते हैं, और ट्रैक भी बहुत ख़तरनाक ट्रैक है, देख सकते हैं आप, मतलब फुली गोल मा गोल ट्रैक है। और आगे देखते हैं कि क्या सीन बनते हैं, मतलब फुल हैवी वाला सीन है। और स्पीड तो मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मतलब देखते हैं, स्पीड टेस्ट भी ऑफ रोडिंग में होगी और ऑफ रोड टेस्ट भी होगा। सो आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये भी हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, हट जा भाई रास्ता छोड़ो। यहाँ पर ये क्या चढ़ पाई आप मतलब नोट करना, मैं इसलिए ज़्यादा स्पीड दे रहा हूँ क्योंकि मतलब अगर स्पीड स्लो हो गई तो फिर ये नीचे पाएगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत स्ट्रगल कर रही है कि यहाँ पे ये चढ़ पाएगी, फाइनली यहाँ पर ये चढ़ गई फाइनली। सो देख सकते हैं मतलब बहुत ही नीचे से हम आए हैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर, और यहाँ पर फिर भी गाड़ी थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है, लेकिन होपफुली 4x4 कार है तो चलेगी। देख सकते हैं अभी भी मतलब स्ट्रगल कर रही है, यहाँ पर क्या ये चढ़ पाएगी? मुझे नहीं लगता कि आगे मतलब मॉन्ट्रियल के जितने भी मतलब ऊंचे ऊंचे मतलब जो है वो उसको पार कर पाएगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन फाइनली मतलब ट्रैक पे तो ये चल रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा कोई हार्डवर्क वाला सीन लगता है, क्योंकि गाड़ी को यहाँ पर फुल जान लगानी पड़ेगी तभी यहाँ पर ये चल पाएगी। देख सकते हैं नीचे वाला टायर बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। और आगे देखते हैं कि क्या सीन बनता है, मतलब फुल हैवी वाला सीन है। आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन गाड़ी के अच्छे हैं, लेकिन कंट्रोल थोड़े बहुत बेकार हो चुके हैं क्योंकि इसका बम्पर शम्पर भी लग चुका है। लेकिन फिर से कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे ये चढ़ पाएगी। देखते हैं यहाँ पर तो ये फुल जान लगा रही है, लेकिन चढ़ नहीं पा रही क्योंकि हम पीछे से थोड़ा आते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये चढ़ पाती है। फाइनली यहाँ पर ये ईजिली चढ़ चुकी है क्योंकि पीछे से मैं थोड़ा रेस दे के आया था। सो जाते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब अभी तो फुल ऊपर ये नहीं चढ़ी, अभी तो और ख़तरनाक ख़तरनाक रास्ते बाकी है। यहाँ पर भी ये ईजिली चढ़ जाएगी मेरे ख्याल से, देख सकते हैं यहाँ पर भी ये स्ट्रगल कर रही है, 4x4 कार है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं चढ़ पा रही। देखते हैं कि क्या सीन बनता है, मतलब फुल नीचे से डैमेज फुल हो चुकी है और ऑयल लीक ना हो, मतलब कि ऑयल अगर लीक हो गया तो फिर गाड़ी भी डैमेज। देख सकते हैं कि फुल मतलब ये वाला सीन है, लेकिन कार मतलब ऑफ रोड भी बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रही है, स्ट्रगलिंग कर रही है नो डाउट, लेकिन परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर पा रही है। देख सकते हैं 4x4 कार है, लेकिन स्ट्रगलिंग फिर भी कर रही है। अगर इसको हम बारिश में ले तो फिर यहाँ पर तो ये बिल्कुल नहीं चढ़ पाएगी। वो स्पोर्ट्स कार को हमने बारिश में लिया था, लेकिन वो फिर भी अच्छी परफॉर्म करी, लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये नहीं चढ़ पा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर चढ़ पाएगी। देखते हैं फुल टोटल दे के चलाते हैं कि क्या सीन बनता है। फुल हैवी वाला सीन है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये चढ़ पाएगी क्योंकि बहुत ही मतलब हार्ड वाला चढ़ाई है, मतलब ऊंची रास्ता है। सो देखते हैं, पीछे से थोड़ा आते हैं और फुल रेस देके इसको चढ़ाते हैं।
सो जाते हैं फुल रेस्ट दे के। ओके सो चढ़ चुकी है फाइनली यहाँ पर ये, मतलब फुल इस तरह नहीं चढ़ी, अगर बीच रास्ते में आपने रेस्ट छोड़ दिया फिर तो ये नहीं चली चढ़ी, मतलब अगर फिर भी अगर आप रेस्ट कंटिन्यूसली दे रहे हो तो फिर ये चढ़ेगी, लेकिन आपने रेस्ट छोड़ना नहीं है। और देख सकते हैं कि मैं मतलब इसलिए बगा रहा हूँ क्योंकि इसकी स्पीड भी मतलब ऑफ रोड में टेस्ट हो जाएगी, ये स्पीड मारती है कि नहीं, सिर्फ पावर लगाती है, पावर तो नो डाउट इसमें है। देख सकते हैं कि मतलब मैं इसलिए चढ़ाई पर रोक रहा हूँ क्योंकि ये मतलब इसके 4x4 भी चेक हो जाएंगे और फुल हेवी वाले सीन। देख सकते हैं कितने नीचे से हम इतने ऊपर आए, अगर इधर से गिर गए तो गाड़ी का मतलब नामो निशान तक नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगी कार, तो मतलब फिर ये रिपेयर करना ही मतलब मुनासिब नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। देख सकते हैं आगे वाला बनेट भी गिर चुका है और इंजन मंजन आप फुल दिख रहा है, ये इसलिए गर्म भी नहीं होगी लेकिन बनेट भी गिर चुका है, डैमेज भी इतना खतरा। ओके यहाँ से फिर मुझसे अनकंट्रोल हुई, क्या ये पर ये रुक पाएगी, मुझे नहीं लगता। ओके पत्थर ने काम चला लिया, यहाँ पर कार को रोक दिया है। एक देख सकते हैं रिवर्स में भी इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है कार में, तो नो डाउट देख सकते हैं आप। सो अब देखते हैं कि यहाँ पर ये चढ़ पाती है कि नहीं। सो यार कार में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पावर लगी क्योंकि देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म भी कर पा रही है और नीचे मतलब जाने से भी मतलब बहुत ही देख सकते हैं कि रुकी उस बार, लेकिन इस बार फिर हम ऑफ मतलब आउट ऑफ द ट्रैक हो चुके हैं, लेकिन इस बार क्या यहाँ पर ये चढ़ पाएगी। ओके सो बहुत ही नज़दीक से मैंने इसको बचाया, अगर नहीं बचाया होता तो तब तक ये गिर जाती। देख सकते हैं पावर मैं इसके चेक करना चाहता हूँ क्योंकि मतलब पावर तो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ऑफ रोड मतलब ऑफ रोड तो सभी करते हैं लेकिन इस तरह के ऑफ रोड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा इंशाल्लाह। देख सकते हैं कि हमने आउट ऑफ द ट्रैक भी इस कार को मतलब चलाया मॉन्ट्रियल से और पत्थर शत्तर पे भी मारा, मतलब बनर शानर भी इसका गिर चुका है। सो मतलब फुल हेवी वाले सीन है और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसने चैलेंज कम्प्लीट कर दिया, मतलब मॉन्ट्रियल पे तो आ चुकी है और देखते हैं कि मतलब मॉन्ट्रियल पे बस इधर तक आ गई, अभी इतना रास्ता नहीं है लेकिन माउंट चिलियर तक इसका मिशन है। सो माउंट चिलियर तक हम इसको फाइनली पहुंचा चुके हैं, फुल टॉप तक आ चुके हैं। सो जाते हैं और भी मतलब थोड़ा सा रास्ते सीढ़ियों को पार करते हैं और इधर मतलब मुझे फुल रेस देना पड़ेगा तभी ये जा पाएगी, वरना यहाँ तो मुश्किल है। सो ओके सो यहाँ पर तो ये आ चुके हैं यार। सो फाइनली हम माउंट चिलियर पर चल चुके हैं मर्सिडीज जी वैगन के साथ। सो चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और आप देख सकते हैं कि कितने नीचे से हम आए हैं। सो ख्याल रखना।